बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल हाउस ऑफ टेक में। और फ्रेंड, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने शेयर मार्केट से संबंधित जानकारी के लिए आपको वीडियो बनाया था, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अप स्टॉक पर आप किस प्रकार से 2022 में अकाउंट बना सकते हैं, जिससे आप शेयर मार्केटिंग से संबंधित ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अप स्टॉक ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, आप भी नीचे दिए हुए लिंक से जाकर जो है अप स्टॉक ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली ऐप्स पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारा जो अपस्टॉक ऐप है वो ओपन हो जाएगा। अपस्टॉक ऐप्स ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली क्रिएट न्यू अकाउंट वाला जो ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है, तो चलिए हम यहाँ पर फटाफट मोबाइल नंबर दर्ज कर देते हैं। तो जैसे ही हम मोबाइल नंबर डालकर साइन अप विद मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज लोड होने लगेगा और लॉगिन पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपके जो आपने नंबर डाला हुआ है उस पर OTP प्राप्त होगा, तो आपको OTP यहाँ पर फिल कर देना है, और OTP फिल करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना। तो चलिए हम फटाफट से OTP फिल कर देते हैं। तो जैसे ही आप OTP फिल करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर न्यू पिन, 6 डिजिट का न्यू पिन चुनने के लिए आपसे बोला जाएगा। तो आप कोई भी 6 डिजिट का न्यू पिन यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम फटाफट यहाँ से 6 डिजिट का पिन सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको फिर से कंफर्म योर पिन, यानी फिर से आपको वही 6 डिजिट का पिन नंबर एंटर कर देना है। चलिए हम फटाफट फिर से 6 डिजिट का पिन एंटर कर देते हैं। इसके बाद जैसे ही हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक कोई भी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर देना है, और ईमेल आईडी एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको गेट OTP का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ईमेल आईडी है उस पर OTP भेजा जाएगा। आपको यहाँ पर OTP फिल कर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम OTP फिल करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड डिटेल और आधार डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना होगा। तो आपको यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। चलिए हम फटाफट पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल कर देते हैं। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका न्यू पेज लोड होने लगेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन शो होंगे जिनको आपको सेलेक्ट कर लेना, जैसा कि भाटेजी और जेंडर। यदि आप मेल हैं तो मेल सेलेक्ट कीजिए, यदि आप फीमेल हैं तो फीमेल। तो चलिए यहाँ सिंपली हम मेल पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद व्हाट इज मैरिटल स्टेटस, यदि आप शादीशुदा हैं तो आप मैरिड सेलेक्ट कीजिएगा, यदि आपकी शादी नहीं हुई तो आप सिंगल सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका एनुअल इनकम आपको सेलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर मैं बिलो 1 लाख सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको व्हाट इज़ योर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस वाला ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर आपको यदि ट्रेडिंग से संबंधित पहले कोई एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से फटाफट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ 1 ईयर। इसके बाद यहाँ पर आपको योर फादर्स नेम एज पर योर पैन कार्ड, यहाँ पर आपको फादर का नेम एंटर कर देना है जो कि आपके आधार कार्ड पे, सॉरी पैन कार्ड पर प्रिंट है। इसके बाद यहाँ पर आपको व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन, यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम फटाफट से ये जानकारी फिल कर देते हैं और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। सिमिलरली आपको यहाँ पर इज योर कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंसी वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर इंडिया है तो आपको यहाँ पर इंडिया यस सेलेक्ट करना है। यदि आप इंडिया से बाहर किसी कंट्री में टैक्स को पे करते हैं तो आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हमको यस पर, तो मैंने यहाँ पर सारी जानकारी फिल कर दी है। इसके बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। चलिए यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन भी मांगा जाएगा, यहाँ पर आई एक्सेप्ट द अबव चेक बॉक्स को आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम कंटिन्यू पर,
या फिर यहाँ पर आप नो आई डोंट वांट यहाँ पर ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम यहाँ पर नो आई डोंट वांट सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम स्टॉक बाद में ख़रीद लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको डिजिटल सिग्नेचर के लिए यहाँ पर कहा जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर आपको अपना दिए हुए बॉक्स के अंदर साइन कर देना है। तो चलिए हम प्रॉपर से यहाँ पर साइन कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने पेज लोड होने लगेगा, और पेज लोड होने के बाद आपके सामने यहाँ पर कनेक्ट योर डिजी लॉकर विथ योर अपस्टॉक अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको दिए हुए कनेक्ट नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम कनेक्ट नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपको डिजी लॉकर वाले पेज पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है आधार कार्ड के साथ, उस पर OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम OTP फिल कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा आप स्टॉक डिजी लॉकर इंटीग्रेशन अलाउ एंड देने का, तो आपको यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम अलाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज लोड होने लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सेल्फी के लिए ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको अपना सेल्फी ले लेना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारा पेज लोड होने लगेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट की जो डिटेल है उसको फिल कर देना है, जैसे कि बैंक अकाउंट होल्डर नेम, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, और फिर से बैंक अकाउंट नंबर एंटर कर देना है। फिर नीचे आपको यहाँ अकाउंट टाइप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको सेविंग या करेंट अकाउंट जो भी है आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम फटाफट से सारी जानकारी फिल कर देते हैं। सारी अकाउंट डिटेल फिल करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको साइन अप फॉर फ्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, क्योंकि अभी जो अकाउंट का जो ऑफर है वो बिल्कुल फ्री चल रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर साइन अप फॉर फ्री पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेसन योर लिमिटेड प्लान ऑफर आर ऑन देयर वे। इसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको वुड यू ऑल्सो लाइक टू एक्टिवेट योर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन करेंसी एंड कमोडिटी वाला ऑप्शन, यदि आप यहाँ पर साथ ही साथ एक्टिवेट करना चाहते हैं तो येस एक्टिवेट दी सेगमेंट पर क्लिक कर दीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पर नो आई विल डू इट लेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो हम यहाँ पर सिंपली नो पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नॉमिनी ऐड करने के लिए बोला जाएगा, तो आप मैक्सिमम यहाँ पर 3 नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। तो यदि आप अभी ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर ऐड नॉमिनी पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप बाद में भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आई विल डू इट लेटर पर क्लिक कर दूंगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा ई साइन योर एप्लीकेशन वाला है उस पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ई साइन विथ आधार OTP वाले, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें न्यू पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपको ई साइन नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ई साइन नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर डिटेल शो हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर आपको आई हियर रीड द डॉक्यूमेंट डाटा आई एम साइनिंग एंड एक्सेप्ट चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोसेस NSTL पर होकर पहुंच जाएगा पेज। इसके बाद यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स दिखाई देगा, यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, और इस पर यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालकर सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। चलिए हम ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं। तो जैसे ही हम वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, क्लिक हियर टू डाउनलोड योर साइन एंड डॉक्यूमेंट एंड प्रोसीड। तो यहाँ से आप सिंपली अपने डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन स्टेटस देखने को मिल जाएगा, इट विल टेक 3 डेज टू वेरीफाई एंड ओपन योर अपस्टॉक अकाउंट एप्लीकेशन सबमिटेड, यानी आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर आपके विद इन
3 दिन के अंदर में आपका जो है लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा, या फिर किसी भी प्रकार का इशू आता है तो वो आपको अपने ईमेल पर देखने को मिल जाएगा।